नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का साइंस की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पहले जो हम दो वीडियो कर चुके हैं उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आपको जरूर मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं हम आपके सिलेबस में जो है 5 प्रकार की हैं। वो कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी जो है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया और पांचवी जो है वो हमारे पास रिडॉक्स या अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं। तो ये अभिक्रियाएं क्या है, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है, संयोजन यानी कि संयोग यानी कि जोड़ दें। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएं उनका नाम क्या रख दिया, संयोजन अभिक्रियाएं। फिर वियोजन यानी कि अपघटन, एक जो बड़ा अभिकारक है उसको दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे तो क्या जाएगा, वियोजन अभिक्रियाएं। अब विस्थापन, तो विस्थापन के अंदर विस्थापित करना यानी कि जब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को घोल के अंदर से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, खो दे देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रियाएं। द्रव्य विस्थापन यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर आयनों के बीच आदान प्रदान होता हो उनको बोलेंगे द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं। और फिर है हमारे पास रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हों, कहने का मतलब एक पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी तो दूसरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, या एक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो दूसरे में हाइड्रोजन, इस प्रकार से मिलेगी हमारे पास। तो आइए अब हम इनको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, संयोग, संयोग का मतलब होता है बेटा जोड़। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या बनाए, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास ये 3 आटा के लड्डू हैं, ये हो गए, और इनको यदि हम, ये 3 अलग अलग हैं, 1, 2 और एक ये हो गया 3, यदि हम इन तीनों को जोड़ दें 1, 2 और 3 और जोड़ करके इनका एक क्या बना दिया है, उत्पाद बन गया है। तो कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बनाएंगे, संयोजन अभिक्रियाएं। अब इसका उल्टा इसमें चलेगा, वियोजन, मान लीजिए ये एक बड़ा लड्डू है और इसको तोड़ करके हम दो या दो से अधिक छोटे लड्डू बना दें तो अब इसके दो पार्ट बन गए हैं, तो ये क्या हो गए हमारे पास, वियोजन अभिक्रिया। एक बड़े का क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वियोजन, और दो छोटों को जोड़ करके एक बड़ा बना दें तो क्या बन जाएगा, संयोजन। कहने का मतलब इसमें छोटे छोटे लड्डू जुड़ करके बातिया वाला लड्डू यानी कि बड्डा बन जाए, और इसमें बातिया वाला लड्डू में तोड़ के छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, वियोजन। विस्थापन हमारे पास यानी कि एक तत्व के जो परमाणु हैं दूसरे तत्व को क्या करते हैं, घोल के अंदर से विस्थापित कर दें, यहाँ पे आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। तो आइए हम इनको वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ है करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक
अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कोयले को जला दिया तो क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। दो अभिकारक हैं, उत्पाद क्या बन गया है, एक बन गया है, तो ये क्या हो गया, कार्बन का और ऑक्सीजन का संयोजन हो गया है। दूसरा मान लीजिए बेटा हमारे पास संयोजन अभिक्रिया का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मान लीजिए भाई ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, जुड़ करके इसने क्या बना दिया बेटा, उत्पाद बना दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उनको संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उस केस में इसने क्या बना दिया भाई, मीथेनॉल, जहरीली शराब बना ली है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो गया, मीथेनॉल बन गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब ये एक कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, यहाँ पे दो अभिकारक है, उत्पाद क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है। तो इनके अंदर इसी प्रकार से हमारे पास एक और उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, और वो है तो हमारे पास क्या होगा, चूना CaO, इसको पानी में डाल दिया, पानी के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना दिया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बिना बुझा चूना, बुझा चूना, और ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो दो अभिकारक जुड़ करके उत्पाद क्या बन गया बेटा, एक ही उत्पाद बनता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके क्या बनाते हैं बेटा, एक सिंगल एकल उत्पाद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जो है अगला उदाहरण है हमारे पास इसका उल्टा, वियोजन अभिक्रियाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा है क्या हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के अंदर एक बड़ा अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उनको क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में इनमें एक बड़ा अभिकारक दो या दो से अधिक
उत्पाद में बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का भरा हुआ बेटा CaCO3, यहां पे जब हम इसको गर्म करते हैं, तापन करते हैं, गर्म कर दिया तो ये टूट गया इसके अंदर CaO प्लस CO। तो ये हमारे पास चूना पत्थर गर्म करने पर इसमें टूट गया चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे एक जो बड़ा अभिकारक था दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर टूट गया है। तो यदि तापन यानी कि वियोजन जो अभिक्रिया है, अपघटन जो है ऊष्मा की मदद से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तापन वियोजन अभिक्रिया। दूसरा जो है हमारे पास एग्जाम्पल इसका जो है वो लिखेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट का तापन करते हैं, ये हमारे पास PbNO3 twice, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या है ये लेड नाइट्रेट, जब हम इसका तापन करते हैं बेटा यानी कि इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किस किस के अंदर, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन गैस। हमारे पास जब इसको संतुलित करते हैं तो इसके दो, ये भी क्या बन गए, दो चार और ऑक्सीजन। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि जब हम लेड नाइट्रेट की तापन करते हैं तो इसमें जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि भूरे रंग का धुआं निकलता है, भूरे रंग का धुआं। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो ये अभिक्रिया आपको कंप्लीट करनी भी आ सकती है। तो लेड नाइट्रेट का जब तापन करते हैं इसके दो अणु किसमें कन्वर्ट हो गए, लेड ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तीर का निशान का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, गैस है और ये क्या बेटा सॉलिड है, ये भी क्या है सॉलिड है। तीसरी जो अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी विस्थापन वियोजन अभिक्रिया का जो तीसरा उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है वो है फोटोकेमिकल वियोजन। तो AgCl, AgCl सॉलिड है और सूर्य का प्रकाश पहले जो है कैमरे के अंदर एक रील डलती थी बेटा, रील के ऊपर सिल्वर क्लोराइड होता था, जैसे ही लाइट डालते थे वो एरिया क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था, उसको हम नेगेटिव बोलते थे, उसी से फोटो वगैरह बनते थे। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं रखते हैं यानी कि उसके ऊपर फ्लैश डालते हैं तो ये टूट जाएगा किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे 2Ag और ये क्या बन गया, क्लोरीन गैस यहाँ पे मुक्त हो गई है। तो इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है और ये क्या बन गया, गैस। तो ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है, ये क्या थी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, ये प्रकाश की मदद से अपघटन हो रहा है। जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है बेटा, ऊष्मा शोषी होती हैं, जिसमें ऊष्मा सोख ली जाती है, अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फोर्थ वन जो है हमारे पास ये क्या बेटा, फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये भी टूट जाता है, यहाँ पे ऊष्मा हीट कर दिया गया है, फेरस सल्फेट टूट गया है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है
और SO3 गैस निकलती है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कैसे लिखते हैं? फेरस सल्फेट इसके दो अणु ले लिए। तो फेरस सल्फेट जो है जब इसका हम दहन करते हैं तो इसकी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया बनती है। तो फेरस सल्फेट के हरे रंग के जो क्रिस्टल थे उनको गर्म करते हैं तो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और इनकी बहुत तीखी गंध होती है। तो ये भी तापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फेरस सल्फेट 2FeSO4 गर्म करने पर किसमें टूट गया भाई? Fe2O3, SO2 और SO3। इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर आपने देखा बेटा एक बड़ा जो अभिकारक है दो परमाणु में टूट जो कंपाउंडों में टूट गया है, ये एक जो है तीन में टूट गया है, ये एक जो है दो में टूट गया है, ये जो है फिर तीन में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़ा अभिकारक दो या दो से अधिक किसके अंदर उत्पाद में बदल जाए उनको क्या बोलते हैं? वियोजने अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि समीकरण को पूरा कीजिए या क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड हो रहे ऑक्सीजन गैस निकलती है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरिन गैस निकलती है। तो इसी प्रकार से फेरस सल्फेट के जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड भूरे रंग की बन जाएगी, SO2 और SO3 में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या होगी? वियोजने अभिक्रियाएं और उसके उदाहरण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। चलो बेटा अगली जो अभिक्रिया है वो है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं तो नाम में ही विस्थापित कर देना यानी कि एक दूसरे की जगह यानी कि ले लेना। कैसे? मान लीजिए बेटा हमने ये कॉपर सल्फेट का घोल था CuSO4 और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एक जिंक का टुकड़ा डाल दिया। तो जिंक जो है इसकी जगह आ जाएगा और इसने बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु का परमाणु कम क्रियाशील धातु के परमाणु को घोल के अंदर से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। क्या कर दे? विस्थापित कर दे। उनको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। कहने का मतलब जिंक आया और इसने घोल के अंदर से कॉपर से कहा खो और ये उठता है मेरे और चला गया। यानी कि जिंक ने खो किसको दे दी? खो खो का खेल खेलते हैं यहाँ पे। जिंक ने किसको खो दी? कॉपर को, और कॉपर आगे चला गया है। तो जिसमें एक अधिक क्रियाशील जो धातु है उसका परमाणु कम क्रियाशील धातु के परमाणु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, अपनी पोजीशन बदल देता है उनको। तो इन अभिक्रियाओं में इनमें अधिक क्रियाशील धातु का परमाणु कम क्रियाशील
इनमें अधिक क्रियाशील धातु का परमाणु कम क्रियाशील धातु के परमाणु को घोल से विस्थापित करता है। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है यहां पे ये बन गया कॉपर सल्फेट, इसका नीला रंग होता है। घोल के अंदर ये एक्वस था, जिंक ने क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया, तो जिंक ने विस्थापित ये सफेद रंग का हो गया। और ये नीचे बैठ जाएगा और कॉपर अलग से सोने, तो वे अभिक्रिया हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु का परमाणु कम क्रियाशील धातु के परमाणु को घोल के अंदर से क्या कर दे, विस्थापित कर दे। इसने जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट के अंदर या हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का घोल है और इसमें लोहे की कील डाल देते हैं, तो ये क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे इसका रंग क्या था, नीला हो गया है और ये भूरे रंग में बदल गया है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के घोल के अंदर से हम लोहे की कील डाल देते हैं, तो लोहा जो है घोल के अंदर से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिससे फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु का परमाणु कम क्रियाशील धातु के परमाणु को क्या करता है, विस्थापित करता है, उनको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इससे अगला है द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं। द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में आयनों के बीच में अभिकारकों के जो घोल है उसके अंदर आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसके अंदर आयनों के बीच आदान प्रदान होता हो उनको क्या बोलते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की घोल में आयनों का आदान प्रदान होता हो होता है उन्हें द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, उन्हें द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास सोडियम सल्फेट
Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का घोल मिला दिया। अब क्या हो गया, सोडियम बेरियम की जगह आ गया और बेरियम सोडियम की जगह, तो ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ चला जाए, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्या बन गया बेटा, एक तो बन गया BaSO4 साथ में NaCl, तो बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास 2NaCl। इसके अंदर हमारे पास सफेद रंग के जो हैं अवक्षेप बनते हैं, अघुलनशील जो होता है, इसलिए इनको अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। वे ये घोल थे एक्वस और ये भी क्या है एक्वस। तो जब हम सोडियम सल्फेट के घोल के अंदर बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो सोडियम आयन और बेरियम आयन के बीच यहाँ पे दोनों के अंदर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, एक सोडियम सल्फेट बन जाता है, दूसरा सोडियम बेरियम सल्फेट बन गया और दूसरा सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य विस्थापन। दो आयनों का आदान प्रदान होता है इसलिए नाम क्या रखते हैं बेटा इसका, द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास बच गया है रिडॉक्स अभिक्रिया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो बेटा इनको पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप, ये मेरा नंबर है 9813547787, इस पे कॉल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। हम आपके लिए हैं बेटा, सरकार हमें बहुत सारे पैसे देती है, तो आपको पढ़ाने के लिए एक छोटी सी मुहिम है, तो पढ़िएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। यह आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं और उनको हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे, वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।